डिस्कस कर रहे थे कि हम हमारे जो LIC इन्वेस्टमेंट्स है उसमें हमें टैक्स फ्री पूरा एग्जेम्प्ट होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पूरा एग्जेम्प्ट होता है, PPF एग्जेम्प्शंस मिलते हैं हमें। तो अगर हम पहले से ही पूरे साल के स्टार्टिंग में करेंगे तब जाके हमें ये सब हम फायदे उठा सकते हैं। Yes, Shristi, you're right. So this is now the last four common financial myths, last credit card myths. ऐसे तो मैं आपको ये बता दिया पहले ही क्रेडिट कार्ड यूज करने का, पर पहले वो मिस्टेक थी. अभी मैं मिथ्स बताता हूँ आपको कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड है वो अमीर है या अमीरों के पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड है. देखो, क्रेडिट कार्ड कोई आपकी आपका जो स्टेटस है या कोई ऐसा फाइनेंस आपको कोई दर्जा नहीं देता. बोलते हैं ना कि अगर क्रेडिट कार्ड ढंग से यूज करो तो एक ब्लेसिंग है, अगर आप गलत यूज करो तो वो बहुत डेंजरस है. इसलिए आप एकदम इस क्रेडिट कार्ड को एकदम ढंग से यूज करो. और एक और मिथ है क्रेडिट कार्ड के ऊपर कि क्रेडिट कार्ड का एक वो है कि अगर आप मिनिमम अमाउंट पे कर दो ना तो आपका क्रेडिट कार्ड वापस एक्टिव होता है, आप यूज कर सकते हो. लेकिन एक बात समझो, वो मिनिमम अमाउंट के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है ना, अगर वो आप पे नहीं करते तो उसके ऊपर कंपनीज बहुत हाई चार्ज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट्स लगाती है, जिससे ना आपको ये बहुत बड़ा डेट हो जाता है. इसलिए आप इसको बराबर यूज करो और बराबर टाइम टू टाइम इसके पेमेंट करते रहो तो क्रेडिट कार्ड आपको बहुत अच्छा यूज देगा. लेकिन अगर ढंग से यूज नहीं करोगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डेट बन जाएगा, मतलब आपके लिए कर्ज बन जाएगा. सो ये है कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स एंड मिथ्स. आई होप आपको ये समझा होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में. एंड अब फर्दर आगे कोमल करेगी. थैंक यू नमन, ये बहुत अच्छा था। अब मैं बात करूंगी सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स के बारे में। अब फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? वो हमारे स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो डार्ट पे टारगेट लगाने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो ये हमारे टारगेट्स होते हैं जो हमें कुछ समय बाद फ्यूचर में अचीव करने होते हैं, या वो हमारे हमें फ्यूचर में उनकी जरूरत होती है, राइट? अभी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ इसके बारे में, तो जैसे रिटायरमेंट हो गया, हमारा चाइल्ड एजुकेशन, होम परचेज, ये सब हमारे फाइनेंशियल गोल्स है कि हमें आगे जाके ये चीजें करनी है, राइट? तो अब हमारे फाइनेंशियल जो गोल्स हैं वो कैसे होते हैं? एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब कि हमें लेस देन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर हमें ये गोल अपना अचीव करना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर किसी को एक स्कूटर बाय करना हुआ या किसी को एक मोबाइल फोन बाय करना हुआ, तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल होता है जो हमें एक साल के अंदर करना है, राइट? सेकेंड होता है मीडियम टर्म गोल, जो हम एक साल से पांच साल के बीच में अचीव करने की ख्वाहिश रखते हैं। अभी इसके अंदर जैसे मैं बात करूं तो इसमें हो गया कि हमारे चाइल्ड का एजुकेशन, अगर आपका बच्चा अभी 10th स्टैंडर्ड में है तो, और आप चाहते हैं कि वो आगे जाके एक अच्छा कोर्स करे, राइट? जैसे कि वो अगर आप चाहते हैं वो MBA करे या ऐसा कोई अच्छा कोर्स करे, तो वो पांच साल के अंदर आप उसके लिए फाइनेंस इकट्ठा करेंगे ताकि वो एक अच्छे हायर एजुकेशन ले सके, राइट? जैसे फिर अगर इसमें आ सकता है आपके सिस्टर का मैरिज है या आपको एक लोन रीपे करना है, राइट? तो ये भी एक आपका फाइनेंशियल गोल हो गया कि आपने 1 लाख का लोन ले रखा है और आपको ये 5 साल के अंदर अंदर रीपे करना है, तो ये आपका मिड टर्म गोल हो गया। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में, जो 5 साल या उसके ऊपर का रहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिटायरमेंट एंड हाउस परचेज, यस? तो ये हमारे हो गए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट? तो अब हम बात करेंगे, तो कहा जाता है कि अगर हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है तो हम वहां कभी पहुंच ही नहीं सकते। सो नेक्स्ट बात करेंगे कि हमें किस तरह से गोल्स सेट करने चाहिए ताकि हम उसे अचीव कर सके। तो हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए? जो हमारे गोल्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट में है S, स्पेसिफिक। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हमें ये बोलना है कि मैं एक बजाज पल्सर बाइक खरीदूंगा, ना कि मैं को ऐसा बोलूं, ना कि मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं हाँ एक साल बाद एक बाइक खरीदूंगा। नहीं, मेरे को स्पेसिफिक रहना है कि मेरे को एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बाइक खरीदनी है। सेकेंड है मेजर, M, मेजरेबल। हमें एग्जैक्ट अमाउंट कितना चाहिए वो पता होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल है कि मैं हर हफ्ते 200 रुपए सेव करूंगी या सेव करूंगा, ना कि हमें ऐसा सोचना है कि हाँ मैं इतने पैसे, हाँ कुछ पैसे जमा करूंगा। नहीं, हमें मेजर करना चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट कि हम 200 रुपए जमा करेंगे
हर हफ्ते. नेक्स्ट इज अचीवेबल एंड रियलिस्टिक. अचीवेबल हम इसे कैसे बना सकते हैं, हम बजट बना के, जैसे शुभम ने हमें बताया कि कैसे पर्सनल बजट बनाना चाहिए ताकि हम अपना गोल अचीव कर सके. एंड रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब हमें कुछ भी हवा में बातें नहीं करनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, नहीं नहीं हमें परफेक्टली जो हम अचीव कर सके वो. अगर मैं एग्जाम्पल दू, जैसे अगर एक पर्टिकुलर इंसान है जो 15,000 रुपीज कमाता है महीने का, तो अगर वो 3,000 रुपए जो कि एक रीजनेबल 20% सेविंग है, अगर वो 3,000 रुपए जमा करता है तो वो रियलिस्टिक गोल है. वो ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं 10,000 रुपए जमा करूंगा, नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है, उसका पूरा बजट हिल जाएगा राइट. तो वो 5,000 में थोड़ी खर्चा चलाएगा, नहीं ना. तो वो उसे रियलिस्टिक 3,000 सेव करना चाहिए. तो द गोल हैज टू बी रियलिस्टिक, टाइम बाउंड होना चाहिए. जैसे हमने बात किया शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, हमें एक पर्टिकुलर टाइम सेट करना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि हमें कब रुपयों की जरूरत पड़ेगी. जैसे अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे 25,000 रुपए जमा करने हैं एक साल बाद राइट, तो एक साल बाद मेरा टाइम फ्रेम है और मुझे 25,000 जमा करने हैं, और किस चीज के लिए, तो मुझे एक साल बाद 25,000 रुपए जमा करने हैं ताकि मैं एक स्कूटर खरीद सकूं. तो ये मेरा एक स्मार्ट गोल है कि मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया मेरे को स्कूटर खरीदना है फिर, और इसके लिए मैं 200 रुपए जमा करूंगी हर, फॉर एग्जाम्पल. तो मैंने मेजर भी कर लिया मैं कितने करूंगी. ये अचीवेबल भी है क्योंकि मैं 200 जमा कर रही हूँ, ये रियलिस्टिक भी है क्योंकि मैं इन विद इन इनकम कर रही हूँ, और ये टाइम बाउंड भी है राइट. तो हमारे गोल्स स्मार्ट होने चाहिए राइट. सो नेक्स्ट ओवर टू सृष्टि. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच कोमल, दैट वॉज अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन कि अपने गोल्स हमेशा टाइम बाउंड होने चाहिए और स्मार्ट होने चाहिए. अब जो कोमल ने बताया, आई वॉन्ट कि हम उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें साथ साथ ही जब हमारा सेशन चल रहा है. तो आई होप आप लोग सब एक पेन पेपर आपके पास है, और ऑल्सो मेरा एक बहुत रिक्वेस्ट है आपके साथ कि अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं और फ्यूचर में भी जो सेशंस है उसको आप हमेशा सिट विद द पेन एंड पेपर, जिससे कि ये सब जो भी अच्छे अच्छे चीज़ें आप लोग सुनते हैं लिख समझते हैं वो सब आप लोग लिख सकते हैं. बिकॉज ये सब जो आप लोग सुन रहे हैं दिस इज़ ऑल मतलब बहुत ज़्यादा रिच नॉलेज है. सब एक साथ आपको नॉलेज इम्पार्टिंग सेशन हो रहा है, तो आप लोग ये सब लिखते रहिए. अभी जैसे कोमल ने बोला कि हमारा हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए स्मार्ट राइट, इट शुड ऑलवेज बी स्मार्ट. तो उसने जो जो चीज़ें स्मार्ट के लिए बोले आप लोग उसका सब फुल फॉर्म आप लोग लिखते रहिए ठीक है. अभी साथ अभी मैं जैसे जैसा आप लोग के पास पेन एंड पेपर रहेगा तो हम आप लोग सबका एक फाइनेंशियल गोल सेटिंग प्रोसेस कर रहे हैं ठीक है. तो अभी इसमें सबसे पहले हम स्टेप वन करेंगे. तो आई होप कि आप लोग सब साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके रिस्पेक्टिव पेन एंड पेपर के साथ ठीक है. तो आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन योर गोल. आप लोग का फाइनेंशियल गोल क्या है ठीक है. इसके लिए हमने कुछ कॉमन फाइनेंशियल गोल्स भी लिस्ट डाउन किए हैं लिस्ट 1.1 में. तो ये थोड़े रेफरेंस गोल्स हैं जो कि हमने लिस्ट डाउन किए हैं, पर आप लोग के गोल इसके अलावा भी हो सकते हैं. तो आपका गोल हो सकता है कि मैं अपना इनकम बढ़ाऊँ, एक्सपेंसेस कम करूँ, मेरा हायर एडुकेशन के लिए गाड़ी खरीदूँ, हॉलीडे पे जाऊँ, इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेविंग करूँ, शादी करूँ, पेरेंट आई वॉन्ट टू बिकम अ पेरेंट, मैं मेरा ओल्ड एज के लिए सेविंग करूँ. तो ये हमने सब सैम्पल्स लिखे हैं कि क्या क्या कॉमन फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं. तो आप लोग भी स्टेप वन, आप लोग के पास जो पेपर है उस पर आपके फाइनेंशियल गोल लिखिए कि मेरा फाइनेंशियल गोल ये है ठीक है. लिख लिया सबने, सबने लिखा फाइनेंशियल गोल अपना, यस और नो प्लीज. यस यस नहीं, चैट बॉक्स में बता दीजिए. सबने लिखा फाइनेंशियल गोल्स अपने अपने, ओके. अभी मैं पूछना चाहती हूँ कुछ जन को कि आपने क्या लिखा है, मतलब आपका फाइनेंशियल गोल क्या है ठीक है. तो कुसुम, कुसुम मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या लिखा है, आपका क्या गोल है. मगन आपने क्या लिखा है, आपका क्या गोल है. मगन बारफ, हाँ, मैंने पोल्ट्री फार्म का लिखा है. वेरी नाइस सो इनोवेटिव, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था, हमारे लिस्ट में था ही नहीं. वेरी नाइस ओके. और
और कोई शेयर करना चाहता है उनके इनोवेटिव फाइनेंशियल गोल्स? मयूरी, सोनल, सकपाल, मनाली, मोरे? बोलिए। हेलो, आपका क्या फाइनेंशियल गोल है? मुझे एक्चुअली कोई भी ऐसा मतलब खाने की चीज मतलब शॉप ओपन करना है फ्यूचर में। ग्रेट, स्नैक्स क्या वगैरह तुम्हारे? इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, ये जो ग्रीन में लिखा है ना हमने, उसका जो थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, वो है आपका। ठीक है, हाँ। ठीक है, और कोई है जो शेयर करना चाहता है? हेलो, यस परशुराम। यस परशुराम, परशुराम, हाँ गो अहेड। तो मुझे एक्चुअली बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मैंने एक शॉप ले चुका है हम लोग, मैंने तो मुझे वहाँ पे होटल खोलना है। वेरी नाइस, तो आपका भी इन्वेस्टिंग इन बिजनेस है। ठीक है, ओके। अभी जिन जिन लोगों ने यस लिखा है, जिन जिन लोगों ने अपना फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई किया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग 10 सेकेंड 20 सेकेंड लेके आप आपका जो जो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, जितना आपको टोटल इसमें पैसा डालना होगा, उसके बारे में सोचिए। ठीक है, थिंक अबाउट दैट मनी कि इसमें सपोज जो जिन्हें पोल्ट्री फार्म खोलना था उन्हें कितना पैसा चाहिए फॉर ओपनिंग अ पोल्ट्री फार्म, फिर जिन्हें शॉप अपना खोलना है ईटिंग का शॉप, उस उनको कितना पैसा चाहिए टू ओपन दैट शॉप। तो वैसे करके आप लोग सोचिए कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो सेकंड स्टेप इज दैट यू हैव टू क्वांटिफाई योर गोल। आपको आपके जो गोल्स है वो सारे के सारे क्वांटिफाई करने हैं कि मुझे ये हमें मुझे ये पैसे की जरूरत होगी टू मीट माय गोल। ठीक है, अब जैसे जो हमारे गोल्स है ये एक तरह से आप लोग ने जो मुझे बोले मोस्टली वो थे इन्वेस्टमेंट गोल्स, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, आप लोग को इन्वेस्ट करना था। इसी तरह से लोगों के अलग अलग गोल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लाइफ साइकिल रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, जैसे मुझे शादी करनी है, मुझे मेरे बेबी का, मुझे मेरे चिल्ड्रन का एजुकेशन के लिए सेविंग करना है। कुछ लोगों के इन्वेस्टमेंट गोल्स थे, हमें हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। कुछ लोगों के हो सकते हैं फंडिंग रिलेटेड गोल्स, फंडिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे फ्यूचर में सेविंग्स अकाउंट खोलना है, और मुझे वो सेविंग्स अकाउंट से एक मेरा मुझे कोई एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, या मुझे फ्यूचर में ट्रैवल करना है, राइट? तो उनके उस तरह के गोल्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के मनी मैनेजमेंट गोल्स हो सकते हैं, जैसे मुझे मेरा सेविंग्स मैक्सिमाइज करना है, मुझे मेरे एक्सपेंसेस कम करने हैं, वैसे भी गोल्स हो सकते हैं लोगों के। तो आपके जिस भी आपके ये कैटेगरीज में जहाँ भी आपके गोल फिट होते हैं, आप आपके गोल का अमाउंट लिखिए। दिस इज द स्टेप टू, दिस इज क्वांटिफाइंग योर गोल्स। यू हैव टू क्वांटिफाई योर गोल कि आपको कितना कितना अमाउंट चाहिए टू अचीव दैट गोल, राइट? थिंक ऑफ इट लाइक अ क्रिकेट मैच। थिंक कि आप लोग एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो और आपको 100 रन बनाने हैं। ठीक है, 100 रन, तो लेट्स थिंक कि किसी जन को 100 रन बनाने हैं, किसी का दूसरा गोल है कि नॉट आउट, जो भी गोल है। सो राइट दैट डाउन, एंड इफ यू हैव रिटन इट देन प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड फॉर अचीविंग दिस गोल। Have you written the amount that is required? So कुछ जनों ने लिखा है 5 लाख, कुछ जनों ने लिखा है 1 लाख। Yes, 3 लाख, so on. तो आपके जितने भी आपका जो भी मॉनेटरी गोल है, नाउ थर्ड स्टेप इज कि आप डिफाइन करेंगे आपका टाइमलाइन। मुझे पोल्ट्री बिजनेस कब खोलना है, 2 साल में, 3 साल में,
मुझे मेरा रेस्टोरेंट कब खोलना है, मुझे फ्यूचर में जाके हायर एजुकेशन के लिए कब करना है, मुझे शादी कब करनी है, सेटल कब होना है. द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज डिफाइनिंग योर टाइमलाइन. जैसे कोमल बता रही थी कि गोल्स तीन तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म. तो हो सकता है कि आपके गोल्स, ऐसे जरूरी नहीं कि एक ही फाइनेंशियल गोल हो, आपके गोल्स काफी तरह के हो सकते हैं. द राइट थिंग इज कि आप आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से इसमें फॉल करता है और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं. तो कुछ आपके शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, राइट. तो अगर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल है फॉर द नेक्स्ट लेट्स से लेस देन वन ईयर, तो आप लिखोगे फॉर दिस पर्टिकुलर गोल मुझे ये अमाउंट चाहिए, लेट्स से 60,000, एंड आई हैव टू अचीव इट विद इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स, राइट. दैट कैन बी योर शॉर्ट टर्म गोल. नेक्स्ट कैन बी योर मिड टर्म गोल, दैट आई वॉन्ट टू गेट मैरिड इन द नेक्स्ट से टू ईयर्स, ठीक है. सो यू विल राइट दैट कि मुझे शादी पे इतना खर्चा करना है, या मुझे शादी पे मुझे इतने पैसे चाहिए ही टू हैव दिस काइंड ऑफ मैरिज. और अब अपना यू विल राइट डाउन द पीरियड. नेक्स्ट विल बी योर लॉन्ग टर्म गोल्स कि मुझे मेरा बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, मुझे मेरा बिजनेस खोलना है, लेट्स से इन द नेक्स्ट फोर ईयर्स टाइम, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एंड आप वो साल मेंशन करोगे. इस तरह से आप एक पूरा आपका एक फाइनेंशियल गोल का आप एक आपको पिक्चर मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू डू दिस प्रॉपर प्लानिंग कि मैं मेरा फाइनेंशियल गोल कैसे मीट करूं. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि यू विल वर्क बैकवर्ड्स, राइट. और ये सब चीज़ें एक टाइमलाइन सेट करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले जो होता है कि आप जो वेरियस फैक्टर्स आते हैं, लाइक मे बी कॉस्ट होता है, कॉस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन आते हैं, अगर आपने एक प्रॉपर टाइमलाइन सेट किया, एक प्रॉपर प्लान किया है, तो आप ये सब जो चीज़ें हैं आप इसको सक्सेसफुली मीट कर सकते हो. अगर आपको कोई प्लान ही नहीं है, अगर आप खाली आप सोच आपने बस डिसाइड कर लिया है कि हाँ मैं 10 साल बाद करूँगा, हो सकता है कि आपके पास उतना जो सेविंग्स है उतना इकट्ठा नहीं हुआ हो. अगर आप प्रॉपरली प्लान करोगे तो आपको वो 100% श्योरिटी के साथ आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने सेविंग्स किए हैं ये इतने इतने साल, मैं रेडी हूँ, मैं घर खरीदने के लिए रेडी हूँ, मैं मेरा बिजनेस खोलने के लिए रेडी हूँ, राइट. सो इस तरह से आप आपका प्लानिंग कर सकते हैं. एंड हर एक प्लान अलग होता है, हर एक प्लान सेम नहीं होता. जैसे आपका, अगर आप सोचो 2020 मैच होता है क्रिकेट में वन डे मैच होता है और टेस्ट मैच होता है, राइट. सबका प्लानिंग, सबका स्ट्रैटेजी अलग होता है. उसी तरह से आपके फाइनेंशियल गोल्स का भी प्लानिंग अलग होता है. और ये सब जो चीज़ें होते हैं, कॉस्ट होता है, इन्फ्लेशन होता है, इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं, इमरजेंसी नीड्स होते हैं, ये सब आपके फाइनेंशियल गोल्स को इम्पैक्ट करते हैं. एंड अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हो, प्रॉपरली सेविंग्स करते हो, तो आप ये सब इमरजेंसीज को मीट कर सकते हो. नेक्स्ट प्लीज. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट नमन. ही हैज अ वेरी फन एक्टिविटी प्लान फॉर यू. सो नमन, दिस इज ओवर टू यू. थैंक यू सृष्टि. नाउ एक्टिविटी टू, जिसके लिए आप लोग हमेशा वेट करते हो, जिसको आपको पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है आपको, एक्टिविटी टू. अब इसमें क्या करना है कि आपको ये चार चीजें हैं ए बी सी डी, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, वो कौन सा पॉइंट कौन से मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जाता है. सो आप लोग इसका आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हो. सो ए, बाइंग द हाउस इन नेक्स्ट 7 ईयर्स, आपको अगर घर खरीदना हो नेक्स्ट 7 ईयर्स के अंदर, 7 साल में, ये कौन सा टर्म हुआ. सबसे पहले रेशमा मोरे ने आंसर दिया लॉन्ग टर्म, वो एकदम परफेक्ट था, राइट था, एकदम राइट. नाउ बी, बाइंग द लैपटॉप इन नेक्स्ट 2 मंथ्स. नहीं, किसी ने यहाँ पर बीच में मिड टर्म दिया है, नहीं ये शॉर्ट टर्म होगा, मतलब 1 साल के नीचे नीचे जो होता है वो शॉर्ट टर्म गिना था, इसलिए वो शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि 2 महीने में अपने को ये लैपटॉप लेना है. थर्ड, सेविंग्स फॉर मास्टर डिग्री इन 3 ईयर्स, मतलब बड़े होकर अपने को मास्टर डिग्री करनी है, उसके लिए अपन 3 साल तक सेव करेंगे. नहीं, यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन है लॉन्ग टर्म और मिड टर्म में. देखो, लॉन्ग टर्म इज लाइक 5 ईयर्स के ज्यादा हो तो वो लॉन्ग टर्म गिनाता है, यहाँ पर तो 3 ईयर्स ही है ना, तो 1 to 5 ईयर्स के अंदर मिड टर्म गिनाता है. या इट्स मिड टर्म. एंड लास्ट डी, सेविंग्स फॉर सिस्टर्स मैरिज इन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल बाद सिस्टर की मैरिज है, उसके लिए आपको सेव करना है.
नहीं, ये मिड टर्म होगा क्योंकि यहाँ पर 2 साल है, 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, उसको मिड टर्म कहते हैं। ये मिड टर्म गिनाएगा। या मैक्सिमम आप लोगों ने राइट बोला है। कोमल नेक्स्ट स्लाइड। जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो ना तो इधर इसके आंसर्स है, जैसे हाउस लेना हो तो लॉन्ग टर्म गोल्स, फिर लैपटॉप के लिए शॉर्ट टर्म है, अगर मास्टर डिग्री करना हो तो मिड टर्म है, और मैरिज करना हो तो भी मिड टर्म है। तो ये आपके आंसर्स है, और आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड ओवर टू शुभम। थैंक यू नमन। कोमल नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या फाइनेंशियल डायरी, अभी जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल पूरा प्लानिंग बताया, पूरा प्रोसेस बताया, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड रख सकते हैं, कैसे आप उसको प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं? जैसे मैंने बजटिंग में आपको एनुअल बजटिंग भी बताया था, बहुत ही इजी वे है, वैसे ही फाइनेंशियल डायरी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो अपने पॉकेट में एक छोटा सा डायरी रखते हैं, और वो जब भी कुछ उसमें आपका उनका रोज का खर्चा होता है वो उसमें मेंटेन करते हैं, वो उसमें लिखते हैं। तो जब आप ऐसे एक डायरी मेंटेन करते हैं या एक लॉग मेंटेन करते हैं आप उस चीज का, तो आपको पता रहता है कि आपके कहाँ कहाँ कौन से एक्सपेंस हो रहे हैं, जो कि आप कौन कौन से आपकी इनकम हो रही है, तो आप उसमें एक जो पूरा एक ओवरव्यू आपके पास रहता है, आपके पास आप तुरंत देख सकते हैं, उसमें तुरंत आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरे एक्सपेंसेस है जो मैं रिड्यूस कर सकता हूँ या अवॉइड कर सकता हूँ। तो वो आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है, और आपके एक जो गोल्स है जो आपने सेट किया है उसको अचीव करने में भी हेल्प करता है। अभी फाइनेंशियल डायरी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो कोमल नेक्स्ट प्लीज, एक एग्जांपल लेना चाहूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि एक इंसान है जिसकी 5000 की इनकम है पर मंथ की, 5000 जब वो अर्न करता है तो उसके सामने उसके क्या क्या खर्चे हैं, वो रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स के लिए वो 2000 रुपीज खर्च करता है, और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो 1000 का एक्सपेंस करता है, और रेंट एक्सपेंस उसका 700 है, सिकनेस 300, फेस्टिवल 500 और अदर एक्सपेंसेस 500। अब इसमें से देख सकते हैं कि जो फूड है, फूड शेल्टर और क्लोथ्स का जो एक्सपेंस है वो उसका मतलब इसेंशियल एक्सपेंस है, साथ में एजुकेशन और रेंट भी वैसे ही इसेंशियल है, और सिकनेस जो मेडिकल एक्सपेंस है उसका, उसको भी वो अवॉइड नहीं कर सकता। तो उसके पास जो सेविंग्स करने का जो ऑप्शन बचते हैं वो फेस्टिवल और अदर एक्सपेंस। अगर वो अपने अदर एक्सपेंस को पूरा रिमूव कर दे या अवॉइड कर दे, रिड्यूस कर दे पूरा, तो वो 500 एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे सेव कर सकता है। और साथ में अगर वो फेस्टिवल एक्सपेंस, जैसे फेस्टिवल में मिठाई हो गया, कुछ घर पे लाना हो गया, अगर वो उसमें थोड़ा सा रिडक्शन करे अपने एक्सपेंस में, कि कम करे वो एक्सपेंस, कि चलो कोई इंसान है भाई 1 किलो मिठाई लेके आता है, वो बोलता है कि नहीं मेरा आधा किलो में भी मेरा सर्वाइवल हो सकता है, तो वो अगर वो उतना रिड्यूस करे, जैसे कि नीचे लिखा हुआ अभी कि अगर वो फेस्टिवल एक्सपेंस को 500 से 200 तक रिड्यूस करे, तो वो 300 की सेविंग कर सकता है, और साथ में अदर एक्सपेंसेस अगर पूरे रिमूव कर दे तो 500 रुपये की सेविंग, वो तो टोटल 800 रुपये की सेविंग ऑलमोस्ट। आप देखेंगे कि इसमें इसने 16% 20% के अराउंड सेव करने का ट्राई किया है। तो फाइनेंशियल डायरी में अगर आप ये सब मेंटेन करके रखते हैं तो आपको पता रहता है कि मैं क्या एक्सपेंस कम कर सकता हूँ और मैं कैसे मेरी सेविंग्स इंक्रीज कर सकता हूँ। अभी इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपकी क्या 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 आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो एक्टिविटी हेलो हाँ शुभम, वी कैन हियर यू। हाँ, जैसे मनीष एक पर्सन है जो एक फाइनेंशियल डायरी मेंटेन करता है अपनी इनकम की और एक्सपेंस, तो अभी आप मेरे को चैट बॉक्स में या कोई भी वॉलंटियर करना चाहे तो वॉलंटियर करके बता सकता है कि वो कहाँ कहाँ उसकी क्या क्या इनकम है, कहाँ कहाँ क्या क्या उसके एसेंशियल एक्सपेंस है, और कहाँ कहाँ वो सेविंग कर सकता है, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे या कोई चैट बॉक्स में मेरे को बताना चाहे तो। एनीवन प्लीज। रेशमा ने लिखा है क्लोथ्स, गैम्बलिंग, उनमें वो सेविंग कर सकते हैं। गुड, जैसे कि अब देखते हैं, यस यस यस, होटल फूड, देख सकते हैं कि रेंट है, रेंट एक एसेंशियल एक्सपेंस है, तो वो होगा उस मनीष को पे करना रहेगा।
सैलरी इनकम वो 5,000 अर्न करता है और साथ में इंटरेस्ट अर्न करता है 600 रुपीज का, तो वो उसका 5,600 का टोटल इनकम होता है। उसके सामने अगर आप देखिए फूड, फूड पे फूड उसका इसेंशियल है, लेकिन अगर वो ओवर एक्सपेंड कर रहा है, वो नॉर्मल रख सकता है तो ठीक है, लेकिन 1,500 उसके जो इसेंशियल एक्सपेंस है उसमें काउंट होगा। और फिर आप क्लॉथ देख सकते हैं, क्लॉथ भी उसके इसेंशियल में आएंगे, मेडिकल भी आप देख सकते हैं इसेंशियल में आएगा और एजुकेशन भी। लेकिन लास्ट के जो गैम्बलिंग है, न्यू शूज है और होटल फूड है, वो आप देख सकते हैं कि उसके इसेंशियल्स में नहीं आएगा। और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने आंसर्स भी दिए हैं, गैम्बलिंग, न्यू शूज, होटल फूड, क्लॉथ, यस, आप देख सकते हैं। कॉमन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है कि आपकी जो इनकम है वो 5,000 और 600 बैंक इंटरेस्ट है, फिर एक्सपेंस उसके सामने जो आपके इसेंशियल हैं, जो आपको जरूरी है, वो रेंट, फूड, मेडिकल और एजुकेशन है। और जो आप जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ कौन से एक्सपेंस पे आप सेविंग कर सकते हैं, जैसे क्लॉथ, गैम्बलिंग, न्यू शूज और होटल फूड, इन पे आप सेविंग कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फाइनेंशियल डायरी है आप लोग की, एंड आप लोग इसी तरह से आपकी फाइनेंशियल डायरी मेंटेन करेंगे। ये यही सैम्पल है, यही फॉर्मेट है कि 3 कॉलम्स में आप लोग देखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से इनकम आती है, सैलरी से, बैंक इंटरेस्ट से, उसके अगेंस्ट आप लोग के कौन से असेंशियल एक्सपेंसेस है, रेंट, फूड वगैरह, और कौन से एक्सपेंसेस है जहाँ पे आप अवॉइड करके सेविंग्स कर सकते हो, राइट। सो हम चाहते हैं कि आप लोग ये 3 कॉलमनार फॉर्मेट फॉलो करें, एंड आई होप आप लोग ने एक्टिविटी के लिए भी ऐसा आप लोग ने लिस्ट डाउन किया होगा, ठीक है। सो नाउ आई हैव समथिंग फॉर यू ऑल फॉर कि आप लोग उस पर प्रैक्टिस करें। सो बिफोर वी कम टू दैट, जैसे अभी तक हमने देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो आपको हेल्प करता है कि आप आपका कैसा जो मनी, जितना आपका सैलरी है, आप उसको कैसे अकाउंट कर सकते हो, और फ्यूचर में जो आपके फाइनेंशियल गोल्स है आप कैसे उसके लिए सक्सेसफुली सेव कर सकते हो, ठीक है। और जैसे हमने देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त जो हमारे टॉप के फाइनेंशियल गोल्स हैं, हम उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, एंड सक्सेसफुली हम एक बजट प्रिपेयर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मीट आवर फाइनेंशियल गोल्स, राइट। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड कैसे हमने स्टार्टिंग पे देखा कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, कब करनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, और हमने वो 3-step प्रोसेस भी देखा टू डू द फाइनेंशियल प्लानिंग। यू राइट डाउन योर गोल्स, quantify your goals and then identify the timeline so that you can work backward. और शुभम ने बहुत ही अच्छा पूरा एक exhaustive financial planning का process explain किया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हमें back and forth करना चाहिए हमारे goals के according और हमारे current expenses और हमारे liabilities के according, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे financial goals अलग अलग तरह के होते हैं, हमने उसको समझने के लिए काफी सारे activities भी किए, right? So this was the entire financial planning का जितना भी हम आपको बता सकते थे, जितना भी नॉलेज है, और अगर आपने ये सब चीजें इफेक्टिवली की तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग की जो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी वो कभी भी डगमगाएगी नहीं, वो एकदम सॉलिड रहेगी फाइनेंशियल प्लानिंग, और जो आपके फाइनेंशियल गोल्स है आप उसको डेफिनेटली मीट कर सकते हो इन इन हाउ मेनी एवर इयर्स यू प्लान, यू जस्ट हैव टू प्लान इट प्रॉपर्ली।